डियर, इस क्वेश्चन में गिवन है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, अगेन हम लोग आइलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। क्या है इसमें, लॉगरिदम पहले आ रहा है और अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, सेकंड नंबर में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको u और जो बाद में आ रहा है वो v। तो दूसरे नंबर पे अलजेब्रा था इसलिए v लिया इसको। यूजिंग बाई पार्ट मेथड क्या होगा, एक्स लॉग, सबसे पहले u को बाहर करते हैं तो log x का होल स्क्वायर को बाहर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x dx माइनस डिफरेंशिएट ऑफ u, log x का होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे x dx। जो रिजल्ट आएगा अगेन हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया log x का होल स्क्वायर, और x का क्या होता है, x के पावर n एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये एक्स के पावर एन, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और लॉग एक्स का चैन रूल से यहाँ लॉग एक्स का वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये टू और ये टू कैंसिल, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल और ये डी एक्स बचा है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉग एक्स इंटू x dx बच रहा है। तो log x को u लेंगे, अगेन हम यहाँ पे u इंटू वी फंक्शन लगाएंगे। यूजिंग बाई पार्ट देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स ये पूरा का होल स्क्वायर माइनस u इंटू वी में क्या हो जाएगा, u को बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x dx माइनस डिफरेंशिएट ऑफ log x dx और इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे x dx एक्स डी एक्स। और जो रिजल्ट आएगा अगेन इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स और ये पूरा क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, और एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट लॉग एक्स का वन बाई एक्स और एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ठीक है, एक एक कट गया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स नहीं इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस ये वन बाई टू बाहर हो जाएगा और एक्स यहाँ बचा है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, यही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बस सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, पहले यू इंटू वी यहाँ लगाया बाई पार्ट का रूल, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन हमारा यू इंटू वी आ गया, यहाँ अगेन बाई पार्ट कर दिया और ये टर्म को सिर्फ कॉन्स्टेंट रखा, और इधर फिर से प्रोसेस वही बाई पार्ट का लगाया और सिंप्लीफाई करने पर इतना आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।